अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है कुछ फोर्स पढ़ी थी, फोर्स एक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर दो तीन तरह की फोर्स जो है वो अमल करती हैं, जिसमें फर्स्ट जो थी वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स थी और सेकंड में हमारे पास कंट्रोलिंग फोर्स और उसके बाद डैम्पिंग फोर्स। लास्ट टाइम हमने डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था और कंट्रोलिंग फोर्स के बारे में कि कंट्रोलिंग फोर्स हमारे डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऐसी फोर्स जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर जो है वो है जो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो उसको रनिंग करवाती है। उसके बाद कंट्रोलिंग फोर्स था, तो कंट्रोलिंग फोर्स के अंदर हमने दो तरह के तरीके पढ़े थे कि इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को जो है वो एक मखसूस वैल्यू पर पहुँचने के बाद उसको रोकना और रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से उसको वापस जीरो पोजिशन पर लेके आने का अमल जो है वो कंट्रोलिंग फोर्स कहलाती है। और इसमें दो तरह के तरीके थे, एक सुप्रीम कंट्रोल था और एक ग्रेविटी कंट्रोल। आज का हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो डैम्पिंग फोर्स के ऊपर है कि डैम्पिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को एंड पोजीशन पर जाकर ऑसिलेशन से रोकती है, उसकी वाइब्रेशन को रोकती है और कम से कम मुमकिन वक्त में हम दुरुस्त रीडिंग हासिल ले सकते हैं, क्योंकि जमूद की वजह से पॉइंटर जो है वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो है काफ़ी अरसे तक जो है वो झूलता रहता है और इस तरह जो हमारी जो कमाइश लेने में बड़ी मुश्किल और दुश्वारी पेश आती है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। उसको कम करने के लिए और पॉइंटर को बिल्कुल क्लियर पोजीशन पर लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग फोर्स का तरीका जो है वो अख्तियार करते हैं। इसमें बहुत कम से कम वक्त में हम कमाइश को ले सकते हैं और ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये हमेशा डिफ्लेक्टिंग फोर्स की मुखालफ और उल्ट सिमत में हरकत करती है। अब जो डैम्पिंग फोर्स है इसकी तीन तरह की फॉर्म है हमारे पास और के तीन कंडीशन इसकी सबसे पहले हो सकती है। उसमें क्या है कि अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। सबसे पहले जो अंडर डैम्पिंग है वो क्या है कि अंडर डैम्पिंग के अंदर के पॉइंटर अपनी फाइनल स्टडी पोजिशन से इस पोजीशन से फाइनल स्टडी पोजीशन से रनिंग स्टार्ट कर एंड पर पहुंचने से पहले काफी ऑसिलेशन थे, काफी जो है वाइब्रेशन उसके पॉइंटर में आए और उसके बाद वाइब्रेट करने के बाद फाइनल पोजीशन पर जाकर ठहर जाए, ये अमल कहलाता है अंडर डैम्पिंग का कि पॉइंटर का अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने से पहले काफी ऑसिलेशन पैदा करना या वाइब्रेट करना जो है ये अंडर डैम्पिंग कहलाता है। उसके बाद है ओवर डैम्पिंग, तो ओवर डैम्पिंग में क्या है कि पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने से पहले बहुत सुस्त रफ्तार में एंड पॉइंट पर पहुंचता है कि अपनी जो स्टार्टिंग उसकी पोजीशन है वो बड़ी सुस्त रफ्तार से स्टार्ट करता है और सुस्त रफ्तार से एंड पर पहुंचता है, ये उसका ओवर डैम्पिंग में आता है। उसके बाद है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है कि पॉइंटर बड़ी तेज रफ्तार के साथ जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बड़ी तेज रफ्तार के साथ पहुंचकर ठहर जाता है बगैर किसी वाइब्रेट के, बगैर किसी ऑसिलेशन के पहुंच जाने का अमल जो है ये क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाता है। उसके बाद हमारे पास डैम्पिंग की तीन तरह की टाइप्स हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, नाम से जाहिर है कि हवा की रगड़ की वजह से हम जो है उसके अंदर हम ऐसी फ्रिक्शन पैदा करेंगे कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो कंट्रोल में हो जाए। उसके बाद एडी करंट डैम्पिंग है कि ये मुस्तकिल मकनातीस की मदद से और एक एलुमिनियम डिस्क को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है फ्लूइड फ्रिक्शन कि इसमें फर्नेस आयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो काफ़ी थिक होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में हम सीखेंगे कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती कैसे। अब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर एक एयर चैम्बर लिया जाता है, उसमें एक पिस्टन लगा दिया जाता है, वो एयर चैम्बर के अंदर पिस्टन जो है वो बंद एयर चैम्बर के अंदर जो है वो हरकत करता है, जिसकी वजह से एक हवा को लेता भी है उस बाद में उसको मुंतशिर कर देता है, जिसकी वजह से एक ऐसी फ्रिक्शन अमल करती है जो इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर के ऊपर जो है इस तरह की फोर्स लगाती है कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो रुक जाती है, वाइब्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है बहुत कम और मुमकिन वक्त में हम उसकी रीडिंग को दुरुस्त अंदाज से ले सकते हैं। इसमें हमारे पास ये एक एयर चैम्बर है, उसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के आर्म जो हमारा पॉइंटर है उसकी आर्म पे हमने पिस्टन लगाया है जो कि एयर चैम्बर के अंदर बंद है। ये स्पिंडल है हमारा जिसके ऊपर पॉइंटर लगा होता है और इसके नीचे ज्यूल है, ये ज्यूल बिल्कुल जबड़ा नमा होता है जिसके अंदर जो है पॉइंटर जो है वो घूम रहा होता है। उसके बाद हमारे पास स्केल है, जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पैमाइश करने के लिए उसको सप्लाई
कंडक्टर जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाता है, तो उसके साथ ये जो पॉइंटर के आर्म के बैक साइड पे लगा हुआ एक हमारा पिस्टन है वो बांदेर चैम्बर के ऊपर उसकी मखालत सीमत में नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से उसके एयर चैम्बर के अंदर हवा जो है वो दाखिल होती है, और जब पॉइंटर अपनी मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाता है तो वापस आने से पहले चूंकि वो मुखालफ सिमत में है तो वह हवा को जो है पिस्टन को मुंतशिर करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पाए जाने वाली जो आसिलेशन है जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम मुमकिन वक्त में दुरुस्त रीडिंग ले सकते हैं। रिव्यू में जाएंगे कि आज हमने डिफ्लेक्टिंग फोर्स पहले पढ़ लिया था, कंट्रोलिंग फोर्स पढ़ा, आज हमने डैम्पिंग फोर्स के बारे में पढ़ा, उसकी तीन तरह की कंडीशन पढ़ी है कि अंडर डैम्पिंग क्या है, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में हमने पढ़ा कि पॉइंटर जो है अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने से पहले काफी ऑसिलेशन काफी झूलता रहता है, इस अमल को अंडर डैम्पिंग कहते हैं। ओवर डैम्पिंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर अपनी हरकत तो स्टार्ट करता है लेकिन बड़ी सुस्त रवि के साथ एंड पोजीशन पर पहुंचता है। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर क्या है कि पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर बड़ी स्मूथली अंदाज से बड़ी तेजी के साथ पहुंचकर रुक जाता है, इस अमल को क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। उसके बाद तीन तरह के इसके हमारे पास टाइप्स हैं, एयर फ्रिक्शन, एडी करंट और फ्लूइड फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के अंदर हमने चैम्बर देखा है, चैम्बर के अंदर एक एयर चैम्बर के अंदर एक पिस्टन है जो कि पॉइंटर की हरकत के साथ हरकत करता है लेकिन उसकी मुखालफ सिमत में है, और जब पॉइंटर अपनी मैक्सिमम पोजीशन की तरफ जाता है तो चैम्बर जो है पिस्टन जो है वो चैम्बर से बाहर की तरफ आता है, हवा उसके अंदर दाखिल होती है, लेकिन जब पॉइंटर अपनी जो है वो वापस जीरो वैल्यू की तरफ जाता है तो वो ही हवा को मुंतशिर करता है, जिसके नतीजे में उसके अंदर पाए जाने वाली जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।